तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CHO भर्ती की। दोस्तों, CHO भर्ती परसों जो है इसकी परीक्षा होने वाली है 19 फरवरी को। आप सबने अपना प्रवेश पत्र देख लिया होगा और ज़रूरी जो तैयारी है वो कर ली होंगी। तो दोस्तों, कल महाशिवरात्रि है, भगवान शिव महादेव भोले बाबा आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें और आपको इस भर्ती में सफलता मिले, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और आप सभी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की पूर्व संध्या पर आपको बहुत बहुत सपरिवार हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। परसों परीक्षा है 19 फरवरी को, सबने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे। अब दोस्तों, जो काम की बातें हैं इस परीक्षा से रिलेटेड वो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। सबसे ज़्यादा जो ड्रेस कोड को लेकर के कन्फ्यूजन था काफ़ी बच्चों को, तो वो भी दूर हो जाएगा। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, समय का ध्यान रखें। परीक्षा आप लोगों की है, उससे 1.5 घंटे पहले पहुँच जाना है, ठीक है? यानी कि 10:30 बजे से परीक्षा, तो 9 बजे आप पहुंच जाएं, ठीक है? ये टाइमिंग रहने वाली है। परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचें, 1.5 घंटा पहले पहुंचने की कोशिश करें। अगर 1.5 घंटा पहले नहीं पहुंच पा रहे हैं तो भाई 1 घंटे पहले तो ज़रूर पहुंच जाएं, अन्यथा उसके बाद आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। फिर रोएंगे, बिलखेंगे, एग्ज़ाम का जो सेंटर है उसके गेट को पकड़ के, दरवाजे को पकड़ के जो चीज़ें निकल कर के आएंगी, बहुत रुआ देने वाली तस्वीरें होंगी। हमने बहुत सारी भर्ती परीक्षाओं में देखा है कि बच्चे टाइम पर नहीं पहुंच पाते हैं, एंट्री नहीं दी जाती है, उसके बाद रोते बिलखते हुए वो तस्वीरें आती हैं जिनसे हमें भी रोना आ जाता है। तो इस स्थिति से आप लोगों को बचना सबसे ज़रूरी बात है। कोई किंतु परंतु इसमें नहीं है कि अगर आप लोग टाइम से नहीं पहुंचे 1.5 घंटा पहले, 1 घंटा पहले, तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ज़्यादा तुम्हें ये लगता है कि 5 किलोमीटर दूर मेरा सेंटर कहीं रुक रहे हैं आप सिटी में, कहीं रिश्तेदारी के पास, कहीं दोस्तों के पास, किसी के भी पास भी, तो टाइम से निकल जाएं। ये नहीं कि मेरा तो 5 किलोमीटर दूर ही है और मैं तो पहुँच जाऊँगा। ऐसा रीट में हुआ था 2021 में वाली रीट में, कि वो लड़की का सेंटर था घर से 100 मीटर दूर, बांसवाड़ा की मैं बात कर रहा हूँ, और वो 100 मीटर दूर मोहतरमा नहीं पहुँच पाई थी, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखें, परीक्षा को परीक्षा की दृष्टि से देखें। मैं इसलिए इस पर बात पर जोर दे रहा हूँ क्योंकि एंट्री नहीं दी जाएगी। आपकी सारी मेहनत, आपके सारे सपने, आपका सारा जो पैसा आपने खर्चा, माँ बाप ने खून पसीने की कमाई से आपको कोचिंग्स कराई हैं, पढ़ाई कराई है, सारा पैसा चला जाएगा। तो समय का जरूर ध्यान रखें, 1.5 घंटा पहले पहुंचने की कोशिश करें। 1.5 घंटा पहले अगर किसी कारणों से नहीं पहुंच पा तो 1 घंटा पहले तो पहुंचना ही है, ये कंपलसरी बात है, ठीक है? अब दोस्तों बात करें दूसरी, मास्क लगा करके जाना है, ठीक है? मास्क आप लोगों को लेकर के जाना है। इसके अलावा जो आप लोगों को परीक्षा केंद्र में लेके जाना है, सबसे पहला एडमिट कार्ड, ठीक है? दूसरा दोस्तों, यहाँ पर आपको P4 साइज फ़ोटो, ठीक है? यानी कि जो फॉर्म में आपका फ़ोटो चिपका हुआ फ़ोटो, वो आपको लेके जाना है। तीसरा दोस्तों, आप लोगों को लेके जाना है ID, ठीक है? ID में आप क्या ले जा सकते हैं? ID में आप लोग ले जा सकते हैं मतदाता पहचान पत्र, जिसे वोटिंग कार्ड जो है वो डालते हैं वो, आधार कार्ड ले जा सकते हैं, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी आप लोग ले जा सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा बॉल पेन लेके जा सकते हैं, ठीक है? पारदर्शी हो वो। पारदर्शी का मतलब ये है उस पेन में जो रिफ़िल है वो स्पष्ट नज़र आए, ठीक है? इसमें रिफ़िल ही है, ऐसा नहीं है रेनॉल्ड्स के पेन आते हैं या फिर मोंटेक्स वगैरह के पेन आते, काफ़ी पेन ऐसे आते हैं जिनमें रिफ़िल दिखता नहीं है, कि इसमें रिफ़िल है, बाहर से स्पष्ट नज़र नहीं आता। तो ऐसा बॉल पेन लेना है जो जिसमें रिफ़िल साफ दिखे, ठीक है? इस चीज़ का भी ध्यान रखना। पेन आप एक से ज़्यादा ले जा सकते हैं क्योंकि कई बार रुकावट आ जाती है, चल नहीं पाता, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, सारी चीज़ें चेक कर लें। ये 4 चीज़ें चाहिए होंगी, इन 4 चीज़ों को लेकर के मैं टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगा क्या क्या चाहिएगा, दोबारा से भी वो भी मिल जाएगा। आप ड्रेस कोड की बात कर लेते हैं। देखिए, आपको घड़ी नहीं पहन के जानी है, ठीक है? कहीं ये सोचें कि साहब घड़ी पहन जाएंगे टाइम देखते रहेंगे, घड़ी अलाउड नहीं है, किसी भी प्रकार की घड़ी आप लोग नहीं पहन के जा सकते। इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों को पानी की बोतल, पर्स, बैग, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, तख्ती, पैड, गत्ता, पेन ड्राइव, रबर, ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं लेकर के जानी है, ठीक है ना? मामा गुटका जयंती खाने वाले जो भी साथी हैं वो भी भाई बाहर ही रख जाना, पुड़ियाँ वगैरह वहाँ पे ना लेके जाएं, नहीं ले दिया जाएगा, ठीक है? माइक्रोफोन, ब्लूटूथ ईयरफोन, ये वाइटनर वगैरह जो भी है, किताबें, नोटबुक, स्कैनर, कुछ भी नहीं लेके जाना, ठीक है? ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ऐसे जो परीक्षार्थी हैं जिनको वो तो कर ली होगी व्यवस्था, ठीक है दोस्तों? आप देखिए, जो ड्रेस कोड है वो ये है, कोट, टाई, मफलर, जैकेट, जर्किन, ब्लेजर, शॉल आदि नहीं पहन के जाना।
आप घर से तो पहन के आ सकते हैं, सर्दी का मौसम, अभी सर्दियां हैं तो घर से तो आप पहन के आ जाइए, लेकिन परीक्षा केंद्र पे जाने से पहले आप टाई, कोट, मफलर, जैकेट, जर्किन, ब्लेजर, जो ब्लेजर शॉल जो वगैरह हैं महिलाएं पहनती हैं, ये नहीं लेके जाना अंदर परीक्षा, ठीक है। परीक्षार्थी शर्ट बिना जेब वाली, गर्म जर्सी, स्वेटर जिसमें बटन न लेगो पहन कर आवे, ठीक है। तो ये आप लोग देखें, शर्ट जो है बिना जेब वाली हो, गर्म जर्सी, स्वेटर जिसमें बट्टा नहीं लगो, महिला अभ्यर्थी ध्यान दे इस चीज़ पर, आपके जो आप लोग पहनती हैं जो गर्मी के जो सॉरी सर्दी के जो जर्सी जैकेट वगैरह उसमें बड़े बटन होते हैं अमूमन महिलाओं के जैकेट्स वगैरह में, तो इस चीज़ को बड़े बटनों वाली जैकेट या जर्सी है वो मान्य नहीं होगी, ठीक है। शर्ट में किसी प्रकार का बैज नहीं लगा हो, ऐसे आपत्तिजनक सामग्री छुपाए जाने के लिए कुछ भी नहीं हो आपके पास, ठीक है, वो पहन के जाना है। इसके अलावा जो महिलाएं हैं अपने बालों में जो रबड़ है, रबड़ बैंड या साधारण किस्म की हेयर पिन, ठीक है, मैं इतना परिचित नहीं हूँ भाई महिलाओं के आभूषणों से रिलेटेड, तो ध्यान रखें साधारण आप रबड़ लगा सकती हैं, हेयर पिन लगा सकती हैं, ठीक है, साधारण हो, बाकी वो प्रोफेशनल नहीं हो, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। मास्क पहन के जाना है आप लोगों को, जर्सी आप लोग पहन सकते हैं लेकिन जर्सी में कोई बटन नहीं हो, ठीक है ना। इसके अलावा परीक्षार्थियों को पूरी आस्तीन का कुर्ता, शर्ट, ब्लाउज आदि पहनकर, ठीक है, पूरी आस्तीन का कुर्ता आप लोग पहन सकते हैं, शर्ट, ब्लाउज, ठीक है, आदि पहनकर अपनी वेशभूषा में बड़ा बटन, किसी प्रकार के ब्रॉच, जड़ाऊ पिन या बैज या फूल आदि लगाकर आने की अनुमति नहीं होगी, ठीक है, तो ये आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। कुर्ता, शर्ट, ब्लाउज, ठीक है, ये सारे चीज़ें हैं, ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं, बड़ा बटन किसी में नहीं हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। परीक्षार्थियों को लाख, ये महिला अभ्यर्थियों के लिए लाख कांच की पतली चूड़ियों के अलावा किसी भी प्रकार के जेवरात और अन्य प्रकार की चूड़ियाँ, कान की बाली, अंगूठी, ब्रेसलेट आदि पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी। तो भाई ये आप लोग ध्यान रखें, महिला अभ्यर्थी लाख और कांच वाली जो पतली चूड़ियाँ हैं वो आप लोग पहन सकते हैं, फैंसी चीज़ें अलाउड नहीं है। इसके अलावा जो कान की बालियाँ हैं, अंगूठी हैं, ब्रेसलेट है, गहना, अंगूठी में नहीं पहन के जाना, बेसिकली बात यह है। पहन के जाते हैं तो जो आपके साथ आए हैं परिजन आप लोगों के, उनको दे सकते हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगा घर से ही उनको उतार के आएँ। कई बार क्या होता है कि आपने मान लीजिए कान की बाली पहनी हुई है, अंगूठी पहनी हुई है, ब्रेसलेट पहना हुआ है, तो क्या होता है कि वो आपसे निकलता नहीं, आपके जो शारीरिक अंग है उनसे, फिर क्या होता है निकालने के लिए आप कोई सोनी या सुनार की दुकान को आप लोग ढूंढते हैं, और आसपास कई जगह ऐसे सेंटर आते हैं ना जहाँ सोनी सुनार की दुकान, तो क्या वहाँ पे कबूतर भी नहीं मिलते हैं, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी आपको निकालने में, क्योंकि ये तो है नहीं कि खींच के हम कान से बालियाँ निकाल लेंगे तो कान फट जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रख के घर से उन चीज़ों को निकाल के आएँ आप लोग, ठीक है, बाद में पहन लीजिए, जब नौकरी लग जाएगी तो बहुत कुछ आप लोग करिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और बेसिकली इन चीज़ों को लेकर टेंशन की भी आवश्यकता नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसके अलावा परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में भी किसी प्रकार की घड़ी, सैंडल, मोजे, धूप का चश्मा, बेल्ट, हैंडबैग, हेयर पिन, गंडा, ताबीज, ये डोरेट जो भी डोब आप लोग बांधते हैं ये भी भाई नहीं पहननी है, ठीक है। हैट, स्कार्फ, स्टॉल, शॉल, मफलर, ये कुछ अलाउड नहीं है, मतलब एक दिन कहें सीधे शब्दों में कहें सिंपल बन के जाना है, यानी कि ऊपर से लेके नीचे तक, सर से लेके पैरों तक कुछ ना हो, ठीक है, सिंपल सारी चीज़ें हो, बटन वटन नहीं लगे हो, मफलर ना हो, टाई ना हो, कोट ना हो, बेल्ट ना हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है दोस्तों। तो ये जानकारी थी, इसके अलावा इन्होंने बताया है जो सिख जो अभ्यर्थी हैं, ठीक है, सिख धर्म के हमारे सरदार भाई हैं, उनके लिए बताया है, जो सिख धर्म के अभ्यर्थी हैं उनको कड़ा, कृपाण और पगड़ी जो धार्मिक प्रतीक चिन्ह होते हैं वो आप लोग पहन के जा सकते हैं। इस धर्म के अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर 1 घंटा 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना होगा। यदि स्क्रीनिंग के दौरान किसी सिख अभ्यर्थी द्वारा उपयुक्त वर्णित प्रतीकों में से कोई संदेहास्पद उपकरण, सस्पेक्टेड डिवाइस ले जाना पाएगा तो उसे परीक्षा हॉल में नहीं दिया जाएगा। यानी कि जो सिख अभ्यर्थी हैं हमारे सरदार भाई बहन हैं वो जा सकते हैं, आप लोगों का जो धार्मिक जो पहनावा है वो अलाउड है, ठीक है, लेकिन आप लोग पहले पहुँचिएगा सबसे पहले, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और बाकी आप लोगों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिया होगा। कहने का मतलब ये है घर से निकले तो सर्दी में ओढ़ने पहनने का सारा जो सामान है आप लोगों का वो हो, परीक्षा केंद्र में जाने से पहले ऐसी कोई भी चीज़ नहीं लेके जानी है, ठीक है, सिंपल कपड़े पहन के जाने हैं, अंगूठी, ब्रेसलेट, ये महिला अभ्यर्थी विशेषकर ध्यान रखें। मुझे चिंता आप ही लोगों की है, महिला अभ्यर्थियों को, कि क्योंकि काफ़ी सारी हमने एग्जाम्स ऐसी देखी हैं, रीट की देखी हैं और सेकेंड ग्रेड या जो भी भर्ती परीक्षा है उनकी हम देखते हैं, तो अमूमन ये चीज़ें सामने आती हैं
कि भाई मेरे कान की बाली नहीं निकली, मेरा अंगूठी नहीं निकली, फंस जाती है कई बार अंगों में, तो वो दिक्कत करती है। सोनी या सुनार की दुकान पास नहीं मिली, और मिल भी गई तो टाइम इतना लग गया कि आपको जो एक घंटा पहले पहुँचना था, ठीक है, आप लोगों की चेकिंग होने लगी, उस टाइम पर ध्यान आता, अरे मेरे तो कानों में बालियाँ रह गई, मेरे तो ब्रेसलेट रह गया, या जो भी चीज़ें आप पहनते हो रह गया, तो वहाँ पर आप लोग भगे भगे जाओगे, इतने में वो डेढ़ घंटा एक घंटे पहले बुला थे, वो टाइमिंग पूरा, फिर आपको नहीं देने दिया जाएगी परीक्षा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, चाहे आपका परीक्षा केंद्र आपके घर से 100 मीटर दूर हो, चाहे 200 मीटर दूर हो, चाहे 25 मीटर दूर हो, आप लोगों को एक घंटा डेढ़ घंटा पहले पहुंच जाना है। ऐसा नहीं है कि भाई मेरे तो घर के पास ही कॉलेज स्कूल आई है और मैं तो चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, तो ऐसा मैंने देखा है। बांसवाड़ा में रीट की जब परीक्षा हुई थी उस टाइम पर ऐसा मैटर आया था, उसने बवाल भी बहुत काटा था, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, समय का ध्यान रखें, मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ समय का ध्यान रखें। ये स्कूल कॉलेजों की परीक्षाएं नहीं है कि 5-7 मिनट ऊपर नीचे चला जाएगा, नहीं पहुंचे टाइम पे तो डिबार बाहर कर दिए जाओगे, फिर रोते रहना, फिर वो वीडियो जाएंगी, हमें भी दुख होगा बहुत सारा। ये है, सारी चीज़ें हैं, इसके अलावा 4 चीज़ें ध्यान रखें, एडमिट कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, बाल पेन, और आप लोगों का एक आईडी, ठीक है। चाहें तो आप आईडी का एक फ़ोटो कॉपी ले जा सकते हैं, वो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ठीक है, बाकी ऐसा कहीं नहीं बताया गया है, लेकिन चाह करके ले जा सकते हैं, मास्क आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आपका अपना चैनल आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं देता है, सभी को मैं बधाई देता हूँ, सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका पेपर अच्छे से जाए। मैं आप सभी लोगों के लिए दुआ करूँगा कि आप अच्छे से जाएँ। और एक और चीज़ जो कहना चाहूँगा मैं साथियों आप सभी से, कि आप लोग जब घर से निकलें अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके निकलें, अपने बड़े भाई बहन जो भी आपको आदर्श मानते हैं उनका आशीर्वाद लेके निकलें, और जो सफ़र है आप लोगों का घर से चलने का, क्योंकि 3 जिलों में सेंटर बनाए गए हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन सबको 3 जिलों में सेट किया गया है, ठीक है। तो क्या करना है, जो फ्री का जो साधन है या फिर ऐसी कोई यात्रा आपको नहीं करनी जैसे आपको हानि हो, ठीक है, ध्यान रखना है यात्रा के दौरान, ध्यान रखना है, एक घंटा बाद चले जाना पेपर देने के बाद, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी, चाहे तो कल सुबह ही पहुंच जाएं, ऐसा नहीं है कि परसों सुबह आ जाएंगे सब पहुंच जाएंगे, ट्रेन बसें लेट वगैरह हो जाएगी तो दिक्कत होगी। तो यात्रा पूरे सभ्यता के साथ करनी है, यात्रा में अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है, आपाधापी नहीं करनी है, ठीक है, किसी भी तरीके की चिंता नहीं करनी है, ठीक है, आराम से आना है, और कोई भी दिक्कत हो आरएनएस हमेशा आप लोगों के साथ है, ठीक है। तो आराम से यात्रा करनी है, आना जाना है, बड़ी सभ्यता के साथ दिखाना है कि हम नर्सिंग के जो अभ्यर्थी हैं मानवता के रक्षक हैं और हम बहुत अच्छे हैं। अब बाकी आप सभी अच्छे हो, इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आप आने जाने के दौरान बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, बिल्कुल भी जो साधन है यातायात के उनका उपयोग करें, लेकिन आपाधापी ना करें, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसी दुर्घटना की जब खबरें आती हैं तो दिल बहुत रोता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, भागा दौड़ी ना करें कि ये बस छूट गया तो क्या हो जाएगा, विशेषकर परीक्षा के बाद, विशेषकर परीक्षा के पहले, इन दो चीज़ के दौरान ध्यान रखें। घर आपके वहीं रहने वाले हैं, सब चीज़ें वहीं रहने वाली हैं, आप एक घंटा पहले पहुँच गए तो पहाड़ नहीं टूट जाएगा घर जाने के लिए, घर से पहले निकलें ताकि जल्दबाजी ना हो कि यार अब तो आधा घंटा बचा है परीक्षा केंद्र पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगी, इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखना। बाकी आप सब समझदार हो, जितना मैं जानता हूं उतना मैंने आप लोगों को कहा है। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ कहना चाहूँगा, आपके अपने चैनल का अपना ऑफिशियल जो वेबसाइट है www.rnseducationnews.com, वहाँ पर भी आप लोग ड्रेस कोड पढ़ सकते हैं। CHO का किसी ने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया तो वो भी आप लोग कर सकते हैं किस तरीके से। इसके अलावा परीक्षा के बाद जो आंसर की और आप लोगों का जो कट ऑफ अंक है वो भी आपको अपनी वेबसाइट पर और आपके अपने चैनल पर बता दिया जाएगा, ठीक है। तो उस चीज़ को भी लेकर टेंशन, बढ़िया से परीक्षा दें, कल भोले बाबा को आशीर्वाद लें, ठीक है, सभी को शुभकामनाएं, जय भोले, जय महादेव, जय हिंद, जय भारत।